नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा, अब हफ्ते में होगा 15 स्कूलों का निरीक्षण। निरीक्षण के नियम में हुए बदलाव। के पाठक के विभाग संभालने से पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मचा हड़कंप। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से कई स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। एस श्रीसंत ने भारतीय टीम में शिवम दुबे की जगह संजू सैमसन को जगह देने की दी सलाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब हफ्ते में होगा 15 स्कूलों का निरीक्षण। निरीक्षण के नियम में हुए बदलाव। स्कूलों के निरीक्षण के नियम में शिक्षा विभाग द्वारा बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार शिक्षा विभाग के कर्मी अब प्रतिदिन नहीं बल्कि हफ्ते में 15 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। अभी तक एक निरीक्षक को प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करना पड़ता था। अब नए आदेश के बाद एक सप्ताह के निरीक्षण के बाद प्रति सप्ताह सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में जो कमियां पाई जाएंगी उस रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से संबंधित व्यक्ति या संभाग पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्यौहार। आज 17 जून सोमवार को कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। राजधानी पटना सहित प्रदेश की सभी ईदगाहों और मस्जिदों में इसकी नमाज अदा की जा रही है। बता दें कि ईद उल अजहा का त्यौहार इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल की याद में मनाया जाता है और इस खास दिन के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोग खुदा की राह में कुर्बानी पेश करते हैं। वहीं बकरीद को लेकर पटना में प्रशासन चौकस है। जांच में सहयोग नहीं कर रहा एनटीए, रवैये से ईओयू हैरान। नीट पेपर लीक मामले की जांच में जुटी बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा अभी तक परीक्षा के मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजी गई है, जिस वजह से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। हैरानी की बात यह है कि ईओयू की ओर से अब तक एनटीए को 3 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है, उसके पश्चात भी प्रश्न पत्र की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब तक प्रश्न पत्र की प्रति नहीं मिल पाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किए जाने को लेकर नए सिरे से पेपर लीक मामले को खंगाला जाएगा। अवैध खनन को लेकर एक्शन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बिहार में खनन विभाग को लेकर डिप्टी सीएम और खान एवं भू तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा पिछले कुछ दिनों से एक्शन में नजर आ रहे हैं। वे लगातार अवैध बालू खनन करने वाले लोगों पर कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। अब इसे लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि खनन विभाग को माफिया मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है और उनकी नज़र ऐसे लोगों पर बनी हुई है जो माफियाओं को संरक्षण देते हैं और जो भी अपराधियों को संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। वहीं बताते चले कि अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के मामले में लखीसराय जिला के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बिहार के स्कूलों को आगे भी बंद रखने की बढ़ी मांग। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मियों के चपेट में आने से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षकों के बीमार होने की खबर आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 15 जून तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। वहीं मंगलवार 18 जून को एक बार फिर राज्य के सभी विद्यालय खुलने वाले हैं, जबकि गर्मियों का कहर अभी तक जारी है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भी 1 से 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब इसे लेकर शिक्षक संगठनों द्वारा स्कूलों को आगे भी बंद रखने की मांग की जा रही है। पटना के डीएम सिरसत कपिल अशोक ने सोमवार को बताया कि आगे स्कूल चलेंगे या बंद रखा जाएगा, इस पर शिक्षा विभाग से बात चल रही है और 1-2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। के पाठक के विभाग संभालने से पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मचा हड़कंप। जैसे ही के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, उनके विभाग बदलते ही नए विभाग में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कथित तौर पर के पाठक के प्रभार संभालने से पहले ही राजस्व विभाग के अधिकारी कागज दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ताजा आदेश जारी किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण के तहत मानदेय पर कार्यरत अमीन से अब अंचल कार्यालयों में काम नहीं लिया जाएगा। उक्त निर्णय से सभी डीएम और बंदोबस्त पदाधिकारी को भी पत्र के जरिए अवगत करा दिया गया है।
कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने मारी टक्कर। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आज सुबह किशनगंज से महज 40 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। इसे लेकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यात्रियों की मदद के लिए कटिहार और किशनगंज रेलवे स्टेशन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किशनगंज रेलवे स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर 9002041952 और 9771441956 है। इसके अलावा हेल्प डेस्क नंबर 0332350874 और स्टेशन हेल्प डेस्क नंबर 6287801805 पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से कई स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से रेलवे द्वारा कई समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में अब रेलवे द्वारा सहरसा सरहिंद और दरभंगा अमृतसर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किए जाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बरौनी से उधना एवं पटना से नई दिल्ली के लिए भी एक एक वन वे स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। आज 17 जून सोमवार से रात 9:30 पर गाड़ी संख्या 04049 पटना से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी, जबकि गाड़ी संख्या 05575 सहरसा सरहिंद स्पेशल ट्रेन 17 जून एवं 24 जून को शाम 7:30 सहरसा से खुलेगी। वहीं दरभंगा अमृतसर स्पेशल गाड़ी संख्या 05559 17 जून और 24 जून को रात 8:20 पर दरभंगा से खुलेगी। गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा स्नान के दौरान 15 लोग डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रविवार को गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान के दौरान गंगा समेत बिहार में अलग अलग जगहों पर कई अन्य नदियों में 15 लोगों के डूबने की खबर सामने आई। लापता लोगों में भोजपुर के 4, नालंदा के 4, समस्तीपुर के 2 और पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर व भागलपुर के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। घटना की खबर मिलने के बाद SERF और NDRF सहित स्थानीय गोताखोरों की 6 टीमों के द्वारा लापता लोगों की तलाश के लिए गंगा में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश खबर लिखे जाने तक जारी है। वहीं खबर लिखे जाने तक भोजपुर में 4 युवक के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पटना के बाढ़ नाव हादसे में लापता हुए 4 में से 2 लोगों के शव बरामद किए गए। हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न बैंकों के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के भोजपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लोगों को पापड़, अचार एवं मसाला बनाने का तरीका सिखाने के लिए 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 18 जून को खुल जाएगा दानापुर दियारा का पीपा पुल। दानापुर के दियारा वासियों को 18 जून को आने के लिए एक बार फिर से नौका का सहारा लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि दानापुर दियारा की लाइफलाइन माना जाने वाला पीपा पुल हर साल की तरह इस बार भी खोल दिया जाएगा। 15 जून स्कूल के खोलने की निर्धारित तिथि थी, इस दिन के बाद कभी भी पुल खुल सकता है। ठेकेदारों के मुताबिक पीपा पुल 18 जून को खोला जाएगा। पुल खुलने के बाद पटना आने के लिए लोगों को नौका का ही सहारा लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि गंगा दशहरा से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है, जिसे देखते हुए इस पुल को खोल दिया जाता है। हालांकि दियारा वासियों के मुताबिक अभी तक जलस्तर बढ़ा नहीं है और पुल खुल जाने से उन्हें आवागमन में काफी परेशानी होगी। सीएम नीतीश के करीबी सांसद के बयान पर मचा बवाल। सीएम नीतीश के करीबी जदयू नेता वो सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर एक सभा में विवादित बयान देकर बुरी तरह फंस गए। एक सभा में उन्होंने कहा कि वो यादव और मुस्लिम के लिए कोई निजी काम नहीं करेंगे। वहीं अब इस बयान पर राजद ने देवेश चंद्र ठाकुर पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राजद ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जदयू पर संकीर्ण मानसिकता वाले जातिवाद करार दिया है। नीतीश के मंत्री ने रोहिणी को प्रवासी पक्षी तो तेजस्वी को बताया बेरोजगार मंत्री।
विभागीय समीक्षा के बाद गया सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार उर्फ बबलू ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव को बेरोजगार मंत्री और रोहिणी आचार्य को प्रवासी पक्षी बताया। तेजस्वी यादव के बिहार में अपराध बढ़ने की बात कहने पर नीरज कुमार बबलू ने कहा कि उन्हें सत्ता से बेदखल होने का मलाल हो रहा है। वही रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य बिहार चुनाव लड़ने के लिए आई थी और जब हार गई तो वापस सिंगापुर चली गई। राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने खड़े किए कई सवाल। राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर लगातार हमला कर रहे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं उन्होंने जनता से आग्रह कर दिया कि वो अपनी जान माल की रक्षा स्वयं करें। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने लिखा कि मधुबनी में निर्ममता एवं क्रूरता की पराकाष्ठा पार कर सरकारी अपराधियों ने शिक्षक डॉक्टर आलोक यादव की जान ले ली। उन्होंने आगे लिखा कि सिवान में कोचिंग जा रहे छात्र की गोली मार कर जान ले ली गई, जबकि औरंगाबाद में छात्रा का अपहरण कर हत्या कर दी गई। इस कुशासन राज्य में छात्र छात्रा और शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है। एस श्रीसंत ने भारतीय टीम में शिवम दुबे की जगह संजू सैमसन को जगह देने की दी सलाह। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के लिए भारतीय टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। सुपर 8 में भारत का मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान से होने वाला है। वहीं इस मैच से पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की प्लेइंग 11 में शिवम दुबे की जगह संजू सैमसन को खिलाने की मांग कर दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान भारतीय टीम मैनेजमेंट को शिवम दुबे की जगह संजू सैमसन को मौका देने की सलाह देते हुए कहा कि अगर शिवम दुबे गेंदबाजी नहीं करते हैं तो टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन के रूप में एक बेहतर बल्लेबाज चुनना बेहतर हो सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वेद प्रकाश सिंह, सुरभि सुमन, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, वीरेंद्र गुप्ता, राजकिशोर महतो, रंजीत कुमार, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबुल मरांडी, संजीव कुमार, राम बाबू दास, सुनील सिंह, राकेश मिश्रा, अजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में गर्मी में कमी आई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।